नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर पहुंचे, वहां उन्होंने देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर श्री पाटेश्वरी मां के मंदिर में पूजा अर्चना की और इसी के साथ साथ मंदिर परिसर के गौशाला में गायों को चारा और गुड़ भी खिलाया। तो बता दें, आज मुख्यमंत्री बलरामपुर पहुंचे हैं, जहाँ पर उन्होंने ये उनका दौरा था और ऐसे में बता दें, सीएम ने गौशाला में गायों को चारा खिलाया और गुड़ भी खिलाया। बलरामपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, कई जिलों का उनका आज का दौरा है, सिद्धार्थनगर का भी दौरा है। ऐसे में बलरामपुर वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने गौशाला में वो पहुंचे, गायों को उन्होंने गुड़ खिलाया, चारा भी खिलाया। तो बता दें, बलरामपुर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ऐसे में गौशाला वो पहुंचे और वहां पर उन्होंने गायों का गो चारा भी खिलाया और गुड़ भी खिलाया। बलरामपुर वो पहुंचे हैं। भारत को शूटिंग में गोल्ड, जी हां, टोक्यो पैरालंपिक में 11वें दिन भारत के लिए अच्छी शुरुआत रही। शूटिंग में SSHK1 कैटेगरी में 50 मीटर एयर पिस्टल में मनीष नरवाल ने गोल्ड और सिंगराज अधाना ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। बैडमिंटन में SL4 में नोएडा KTM सुहास यतिराज ने भी फाइनल में पहुंचकर भारत के लिए आज का दूसरा मेडल पक्का किया है। बता दें, इससे पहले प्रमोद भगत ने SL3 में भारत के लिए कम से कम सिल्वर मेडल पक्का कर लिया है। मनीष ने फाइनल में 209 का स्कोर किया, जबकि सिंगराज ने 207 स्कोर का सिल्वर मेडल जीता है। इससे पहले अधाना क्वालिफिकेशन में, बता दें, राउंड में 536 अंकों के साथ चौथे स्थान पर थे, जबकि नरवाल 533 अंकों के साथ सातवें स्थान पर थे। अधाना 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। प्रमोद ने सेमीफाइनल में जापान के फुजिहारा डाई सुके को 21-11, 21-16 से हरा कर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। वहीं सुहास ने इंडोनेशिया के फ्रेडी सेतियानबान को 21-9, 21-15 से हराया। इसके साथ ही टोक्यो में भारत के 15 मेडल हो जाएंगे। बता दें, सुहास नोएडा के DM हैं और इससे पहले भी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए मेडल जीत चुके हैं। यानी कि लगातार टोक्यो में जो पैरा ओलंपिक हो रहे हैं, उसमें भारत के खिलाड़ियों का प्रदर्शन जो है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है और ऐसे में शूटिंग में गोल्ड और सिल्वर दोनों ही भारत की झोली में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस से संक्रमित किसी मरीज की मौत नहीं हुई, वहीं 18 नए मामले सामने आए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 18 नए संक्रमित मामले मिले हैं। इसी के साथ कुल मामलों की संख्या 17,09,401 हो गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में किसी संक्रमित की मौत नहीं हुई, लिहाजा मृतक संख्या 22,000 से ज्यादा पर ही स्थिर है। ऐसे में स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार राज्य में इस समय 249 मरीज संक्रमण का उपचार करा रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 21 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई है। यानी कि अब तक 16 लाख से ज्यादा मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे की बात कर ली जाए तो पिछले 24 घंटे में गौतम बुद्ध नगर में 4, रायबरेली में 3, लखनऊ और कन्नौज में 2-2, वाराणसी आगरा औरैया कानपुर देहात संत कबीर नगर झांसी और सुल्तानपुर में 1-1 मामला सामने आया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी है। रूबी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूपी में अब संक्रमण जो है वो कम होता नजर आ रहा है। देश में भले ही संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन यूपी में मामले कम दिख रहे हैं। जी पारुल, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जिन हालातों में, खासतौर से हम यूपी स्तर की बात कर रहे हैं या लखनऊ की बात कर रहे हैं, कोरोना के जो मामले हैं उसमें गिरावट जरूर आई है, लेकिन
इन दिनों जो आसपास के जिले हैं उनमें से कुछ मामले ऐसे भी निकल के आ रहे हैं जिसमें तेज बुखार और सर्दी जैसे जुकाम है, इन टाइप के मामले भी निकल के आ रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर जो है उनका यही कहना है कि ये जो अब जो बुखार का जो सीन चल रहा है यहाँ पे वो उसमें टाइफाइड है, डेंगू है, इन जैसे बीमारियों का अब कहर हो रहा है जिलों में। लेकिन कोरोना की अगर हम बात करते हैं खासतौर से, तो कोरोना में भले ही गिरावट आ रही हो लेकिन अभी भी अस्पतालों में तैयारियां हैं, कुछ जगह पे अभी भी जांच की जा रही है, वैक्सीनेशन के लिए लाइनें अभी भी लग रही है क्योंकि कई जगह पे कैंप का भी संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ कुछ जगह पे ये भी कहा गया है, खासतौर से अगर हम जिले की बात करें तो वहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग है उनको खास तौर से निर्देश इसी बात को लेकर दिया गया है कि डेंगू हो या टाइफाइड हो या मलेरिया हो या फिर कोरोना हो, कोई भी ऐसी भी बुखार के मामले सामने नजर आते हैं तुरंत जांच की जाए, उनके सैंपल लिए जाए और उसके बाद उन मरीजों के साथ लग के उनकी पूरी तरीके से टीम तैयार की जाए और यहाँ तक कि घर घर जाके एक ब्यौरा पूरा तैयार किया जाए कि किन मोहल्ले में किन जगहों पे खास तौर से जैसे बीमारियां जैसे निकल के आ रही है। और इसके साथ ही साथ यानी कि रूबी साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कोरोना का संक्रमण जो है वो यूपी में कम हो रहा है लेकिन वायरल बुखार और डेंगू का जो संक्रमण है वो ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि इससे कोरोना की बात कर ली जाए तो उसके मामले तो यूपी में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 18 ही आए हैं, जबकि वायरल बुखार और डेंगू की बात कर ली जाए तो भारी संख्या में मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल पारुल, क्योंकि 500 के करीब ही लखनऊ में ही तकरीबन दर्ज किए गए हैं मामले। कल ही सीएमएस लखनऊ के हैं, उन्होंने बताया कि लखनऊ में लगभग 500 के मरीज आ चुके हैं अभी तक में। जाने माना हॉस्पिटल है लखनऊ का सिविल हॉस्पिटल, बेड अलग तैयार किए गए हैं खासतौर से वायरल फीवर को लेकर, और इनमें बच्चों के भी सामने निकल के आए हैं कई केस। 63 बच्चे जो अभी तक हैं वो एडमिट किए जा चुके हैं और अब जो वायरल जैसी जो बुखार है इनका सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं पारुल ये बात बिल्कुल सही है कि कोरोना की लड़ाई अभी खत्म नहीं हो पाई थी, अब ऐसे में यूपी सरकार के लिए बिल्कुल चुनौती बन चुकी है कि डेंगू जैसे बीमारी हो या फिर वायरल जैसी बीमारी हो। बिल्कुल रूबी, और कहीं ना कहीं देखिए कोरोना के मामले जिस तरह से कम हो रहे हैं, वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाई जा रही है, वैक्सीन लगाई जा रही है, इसीलिए मामले जो हैं अब थमते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर पूरे भारत की बात कर ली जाए तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन यूपी में अच्छी खासी जो हालात हैं वो नजर आ रहे हैं, कंट्रोल जो है वो यूपी में पूरी तौर पर देखा जा सकता है मामलों को लेकर। बिल्कुल पारू कह सकते हैं क्योंकि खासतौर से तर्ज अगर हम बात करते हैं लखनऊ की या फिर आसपास की, तो इन जिलों में कुछ मामले निकल के आए थे। हालांकि अभी लखनऊ में गिरावट जरूर आई है, लखनऊ के प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो इनकी शाम को बुलेटिन रिपोर्ट आती है, उन रिपोर्ट में खासतौर से गिरावट जरूर देखने को मिल रही है और इसमें ये जरूर देखा जा रहा है कि कोरोना अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अब लोग खुद जागरूक हो चुके हैं, वैक्सीन लगवाने के लिए खुद अपने घरों से निकल रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। हर हॉस्पिटल की बात करें या प्राइवेट नर्सिंग होमों की बात करें, सब जगह पे खुद लोग पहुंच रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इन वैक्सीन लोगों को लग सके। लेकिन अब जो दो दो हाथ करना पड़ रहा है वो है वायरल फीवर को लेकर, तो ऐसे में डॉक्टर हो या फिर सीएमएस की हॉस्पिटल की टीम हो वो पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुकी है इसी बात को लेकर कि कोई भी बीमारी, खासतौर से सीएम ने ये ऑर्डर पास किया है कि कोई भी बीमारी हो उसको लड़ने के लिए पूरी तरीके से टीम तैयार की कर ली जाए जिससे जो मरीज है उनको राहत मिल सके। इसके साथ ही साथ मरीज के साथ जो लोग आ रहे हैं उनको भी समझाया जाए कि ऐसी बीमारियों में कैसे लड़ा जाए। तो पारुल ऐसे में ये कहा जा सकता है कि खास तौर से देखभाल करने के लिए भी निर्देश दिए जा रहे हैं और जो लोग बीमार हैं उनको एडमिट भी किया जा रहा है और इसके साथ ही साथ जो कोरोना हो या फिर वायरल फीवर हो इनकी लड़ने की जो तैयारी है उसके लिए भी लोग तैयार हो चुके हैं। जी चलिए रूबी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें यूपी में कोरोना के मामले जो है वो थमते हुए नजर आ रहे हैं, एक भी पिछले 24 घंटे में मरीज की जान नहीं गई है और 24 जिले कोविड फ्री हो चुके हैं पूरी तरह से। और 24 घंटे की बात कर ली जाए तो पूरे यूपी में सिर्फ 18 कोरोना के मामले सामने आए हैं, यानी कि एक अच्छी खबर जो है वो यूपी से इस समय सामने आ रही है कि कोरोना की रफ्तार जो है वो बहुत हद तक खत्म हो चुकी है। बिजनौर में दो ठग महिलाएं सीसीटीवी कैमरे की चपेट में आई। बता दें जो स्कूल का फॉर्म भरवाने के नाम पर दो बच्चियों को ठग कर घर से लेकर फरार हो गई। इतना ही नहीं दोनों ठग महिलाओं ने मासूम बच्ची के कानों से कुंडल निकालकर फरार हो गई थी। पूरा मामला थाना
नहटोर के सारणपुर नवादा इलाके का है, जहां ठगी करने वाली महिलाओं की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो बच्चों को अपनी ठगी का शिकार बनाती थी। फिलहाल पुलिस इन ठग महिलाओं की तलाश कर रही है। तो बिजनौर का पूरा मामला है, जहां पर ये ठगी करने वाली महिलाएं जो हैं वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी हैं। महिला की तलाश जो है वो अब पुलिस कर रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ये महिलाएं जो हैं वो ठगी करने के लिए एक लड़की को लेकर फरार हो गई थी। हालांकि उसके कान से उन्होंने कुंडल भी निकाल दिए और इस तरह की घटनाओं को वो पहले भी अंजाम दे चुकी हैं, जिसके बाद अब ये सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इन महिलाओं की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में तीन तलाक के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। शादी के 12 साल बाद पति ने पत्नी को तीन तलाक दे दिया। पूरा मामला सहारनपुर के थाना नातौना क्षेत्र का एक गांव में का है, जहां पर तीन तलाक का मामला ये सामने आया है। बता दें, महिला का आरोप है कि उसके पति ने उससे 1,00,000 रुपए मायके से लेकर आने को कहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इससे नाराज होकर पति ने उसके साथ 28 अगस्त को मारपीट की और उसके बाद तीन तलाक देकर घर से बाहर उसे निकाल दिया। पीड़िता ने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद केस दर्ज होने के एक घंटे बाद ही पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो सहारनपुर का पूरा मामला है, जहां पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। तीन तलाक से जुड़ा ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शादी के 12 साल बाद पति ने पत्नी को तीन तलाक दे दिया और ऐसे में पत्नी की तरफ से पति पर आरोप भी लगाया गया है। उसने कहा कि पैसे लाने के लिए उसने दबाव बनाया था पति ने, जिसके बाद महिला जब पैसे नहीं लेकर आई अपने मायके से, तो बता दें आपको कि महिला का आरोप ये है कि उसके पति ने उससे 1,00,000 रुपए मायके से लेकर आने के लिए कहा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिससे नाराज होकर पति ने उसके साथ 28 अगस्त को मारपीट की और उसके बाद तीन तलाक देकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। ननौता में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था पति के खिलाफ, उसमें तमाम विवेचना के दौरान साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के सामने प्रेषित किया गया है और विवेचना जारी है और समुचित कार्रवाई की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे अगली खबर का। गोरखपुर में चौरी चौरा तहसील क्षेत्र में ब्रह्मपुर ब्लॉक में जय राम कोल गांव के टोला जोकिया के पास उफनाई गोरी नदी ने तटबंध को तोड़ दिया है। शुक्रवार की भीड़ में बता दें उफनाई फरेन नाले का तटबंध राजधानी और सिलहटा मुंडेरा गांव के बीच टूटने से बड़ी तबाही हुई है, जिसमें लगभग 30,000 की आबादी प्रभावित हो गई। वहीं चौरी चौरा तहसील प्रशासन बाढ़ राहत और बचाव में जुटी हुई है। हालांकि प्रशासन द्वारा उपलब्ध सुविधाएं काफी नहीं है, ऐसे में बाढ़ प्रभावित लोग बंधों पर ही शरण लिए हुए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से पानी ही पानी हर तरफ नजर आ रहा है और ऐसे में ग्रामीण जो है उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए कितना पानी भरा हुआ है, जिसमें चलकर ही ग्रामीणों को अपने घर तक पहुंचना पड़ रहा है। तो बता दें गोरखपुर में 30,000 की आबादी जो है वो बाढ़ की चपेट में आ गई है। ऐसे गौरा नदी ने जो है तटबंध तोड़ दिया है पूरी तरह से। कितना फिट ये पानी भरा हुआ है, तस्वीरों में आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ऐसे में देखिए उसी पानी से गुजरकर बाइकें निकल रही हैं, उसी पानी से होते हुए लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। इस तरह की परेशानी जो है वो लोगों को देखने के लिए मिल रही है और ऐसे में हालात क्या हैं ये तस्वीरों से साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो गोरखपुर का ये पूरा मामला बता दें, गौरा नदी में तटबंध टूट जाने से हालात ऐसे हो गए हैं, पूरी जगह जो है वो पानी की चपेट में आ चुकी है और ऐसे में 30,000 की आबादी बाढ़ में घिरी हुई है। चलिए मनोवर रिजवी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोवर, जिस तरह से गोरखपुर के हालात देखे जा रहे हैं, हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है, अभी कैसे हालात हैं वहां पर? हालात ये है कि बाढ़ का पानी ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरीके से फैला हुआ है। कल गोर्रा नदी का तटबंध चौरी चौरा में टूट गया था, उससे लगभग 30,000 की आबादी जो है पानी में डूब गई है और कमोबेश यही हाल
शहर के अंदर का है, क्योंकि बरसात का पानी चूंकि निकल नहीं पा रहा है इसलिए शहर के निचले हिस्सों में भी पानी भरा हुआ है मैडम। और कल जो है नौसड़ चौराहा जो कि मुख्य चौराहा है वाराणसी गोरखपुर हाईवे और लखनऊ गोरखपुर हाईवे का, और 1998 में जो बाढ़ आई थी तो ये चौराहा पूरे तरीके से बह गया था, लगभग 100 फीट गड्ढा हो गया था यहाँ पे। तो कल रात में प्रशासन ने यहाँ जो तटबंध है वहाँ पे लाइट लगाई है और पूरी रात लाइट थी और पूरे रात जो है अधिकारी गश्त करते रहे कि कहीं बिल्कुल मनोबल। लेकिन मैं ये जानकारी भी चाहूंगी कि कितने गांव कितने क्षेत्र ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और जिन लोगों के घर पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं क्या उनको दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है? जी मैम बताना चाहूंगा कि सैकड़ों गाँव इस वक्त जो है पानी में है, गोरखपुर जिले के पानी के से घिरे हुए हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य कर रहा है, लगभग 350 नावें लगी हुई हैं राहत और बचाव में और करीब 3 दर्जन स्टीमर भी लगाए गए हैं राहत और बचाव के लिए। एनडीआरएफ की पूरी कंपनी यहां पे तैनात है। पिछले दिनों जो है जल शक्ति मंत्री का यहां दौरा हुआ था और उन्होंने काफी कुछ दिशा निर्देश अफसरों को दिए हैं बाढ़ राहत सामग्री को लेके, और मुख्यमंत्री का जिला होने के नाते कुछ विशेष जो है यहां बाढ़ की स्थिति को देखते हुए काम किया जा रहा है और अधिकारी 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रहा है मैडम। बिल्कुल मनोबल, देखिए कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी उठता है कि इस तरह के हालात जो दिख रहे हैं, तस्वीरें जो दिख रही हैं, ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह की बारिश या बाढ़ आई हो, हर साल ऐसी तस्वीरें ऐसा ही नजारा दिखता है, फिर भी तैयारी क्यों पहले से नहीं की जाती? मैडम यहाँ तो अफसरों लापरवाही या जो भी कहा जाए लापरवाही कहा जाए, क्योंकि जो तटबंध होते हैं उसमें मिट्टी का भराव तब स्टार्ट होता है जब बरसात आ जाता है, बरसात का समय होता है तब बंधों पे मिट्टी डाली जाती है उसको मजबूत करने के लिए। वैसे जो हालात हैं उसको देखते हुए यही कहा जा रहा है कि यहाँ के अधिकारियों ने अगर वक्त रहते रुचि लिया होता और तटबंधों को मजबूत किया होता तो इतनी खराब स्थिति नहीं होती। फिर भी राप्ती नदी और तमाम जो नदियां हैं उनका दबाव बहुत ज्यादा है, पानी का दबाव लगातार बढ़ रही है नदियां, तो कहीं ना कहीं जो प्रयास है वो नाकाफी है और इनको और पहले से शुरू हो जाने चाहिए थे। जी चलिए मनोबल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो गोरखपुर की तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से 30,000 की आबादी जो है वो बाढ़ की चपेट में है। गौरा नदी ने तटबंध जो है तोड़ दिया है जिसकी वजह से कई गांवों में पानी भर चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से पानी जो है कितना ज़्यादा भर गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं, पानी से होकर उन्हें गुजरना पड़ रहा है, चाहे वो पैदल हो चाहे वो वाहनों पर हो। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह की परेशानियां लोगों को उठानी पड़ रही हैं। फिरोजाबाद में वायरल फीवर और डेंगू की वजह से हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में लोग अपने घरों में आसपास के झोला छाप डॉक्टरों की सलाह पर ही घर में इलाज कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिल पा रही और ऐसे में झलकारी नगर इलाके के कई परिवार ऐसे हैं जो अपने घरों में ही इस वक्त बच्चों का इलाज करा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अस्पताल में जगह नहीं होने की वजह से जो स्थानीय डॉक्टर हैं उनकी सलाह पर ही घर में इलाज करवाया जा रहा है। वहीं दवाई और ग्लूकोज ड्रिप बच्चों को घर पर ही चढ़ाया जा रहा है। तो फिरोजाबाद में हालात जो हैं वो वायरल फीवर और डेंगू से दिन पर दिन बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में जो है अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं बची है, अस्पतालों में बेड नहीं बचे हैं, इसीलिए कई परिवार मजबूर हैं कि वो अपने बच्चों का इलाज घर पर ही करा रहे हैं, घर पर ही उन्हें ड्रिप चढ़ाई जा रही है, घर पर ही दवाई उन्हें दी जा रही है क्योंकि अस्पतालों में अब जगह नहीं बची है। कुशीनगर के तमकुहीराज अहिरौली दांत क्षेत्र में सड़क गड्ढा मुक्त करने और सड़क मरम्मत के नाम पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की तरफ से किए गए फर्जी भुगतानों के जरिए सरकारी पैसे का गबन और सड़क का दोहरीकरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 2 सालों से 20 किलोमीटर तक क्षतिग्रस्त हो चुकी इस सड़क और PWD के अधिशासी अभियंता हेमराज सिंह, सहायक अभियंता संतोष विश्वकर्मा सहित
अवर अभियंता प्रिंस मौर्य की तरफ से किए गए धांधली, फर्जी भुगतान सहित 9 सूत्र मांगों के समर्थन में भूलिया बाजार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कामरेड ललन राय, कामरेड सगीर आलम, कामरेड मती उल्लाह सिद्दीकी, सुदामा यादव सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सभा का सड़क जाम किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए उप जिलाधिकारी AR फारूकी ने संबंधित विभाग के अभियंताओं को मौके पर बुलाया और सड़क जाम खुलवाकर बातचीत कराई। इस दौरान हमारे संवाददाता ओम प्रकाश गुप्ता की तरफ से भी सहायक अभियंता संतोष विश्वकर्मा से पूछे गए सवालों पर वो कन्नी काटते और झूठ बोलते हुए नजर आए। एस्टीमेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो सड़क गड्ढा मुक्त के नाम से छामा ईट गिराया गया, सैकड़ों लोग सड़क से गिरे, विभाग चोर नहीं है तो है चोर कौन? हम ये इस पर कम पानी में जल भराव में जहाँ वहाँ की काम करती है और कोई चीज नहीं काम करता, इस पर रोलर नहीं चला है, इस पर गिट्टी नहीं गिरा चला है, नहीं बिल्कुल नहीं चला है, चला होता आपके सामने यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, रोलर भी चला है और ट्रैफिक चलने से गलत बोल रहा है। एक बार देखिए आंदोलन तो हमारा इसलिए कि ये रोड बिजली के बटन जैसा आज ही बन नहीं सकता। हमारे क्षेत्र के बड़े अधिकारी, इस तहसील के उप जिलाधिकारी हैं, कसिया से सहायक अभियंता है, उन लोगों ने बकायदे ज्ञापन दिया और पब्लिक के बीच में ये आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया कि इसका इस्टीमेट बना करके शासन को गया है और शासन की अनुमति आते ही टेंडर होगा, रोड बनेगा, दोहरीकरण होगा कैसा था। फिर जो इसमें झावा गिरा हुआ है, इससे जनता को परेशानी हो रही है, इस पर चर्चा हुई तो अभियंता ने जवाब दिया कि इस पर राविश गिराएंगे, छोटी गिट्टी गिराएंगे और इसको रोलर चलाएंगे। जालौन के माधोगढ़ थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता हत्याकांड के मामले में गवाही देकर लौट रहे पूर्व प्रधान पर जानलेवा हमला किया गया। वहीं राष्ट्रवादी हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई दलों के कार्यकर्ता पीड़ित से मिलने और दिवंगत बीजेपी नेता को श्रद्धांजलि देने मौके पर पहुंचे थे। पुलिस ने 7 हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन सभी हमलावर फरार हैं और बताया जा रहा है कि बंगरा के पूर्व प्रधान संदीप दीक्षित जिला न्यायालय उरई से गवाही देकर घर लौट रहे थे, तब उन पर हमला हुआ था और आधी दर्जन हमलावरों ने लाठी डंडों से उन पर जानलेवा हमला किया था। वहीं हमलावरों ने जैसे ही पुलिस की गाड़ी को देखी वैसे ही मौके से हमलावर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। जालौन का पूरा मामला है जहां पर पूर्व प्रधान पर जानलेवा हमला किया गया है, उसको लेकर बता दें पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस अभी उनकी तलाश कर रही है। जालौन का ये पूरा मामला है जहां पर पूर्व प्रधान के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है और ऐसे में हमलावरों ने जब बता दें मौके पर पहुंचती हुई पुलिस की गाड़ी देखी तो वो मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने अब इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और उनके खिलाफ उनकी तलाश के लिए जुटी हुई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।